फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एप्सलूट और कंपाउंडिंग रिटर्न के बारे में डिफरेंस समझेंगे एंड कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए जिसको एप्सलूट और कंपाउंडिंग रिटर्न के बीच में डिफरेंस पता होता है वो रेयरली दे गेट फूल्ड बाय मार्केटिंग ब्रोशर्स सो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से एक लाख रुपये अगर दस लाख बन जाते हैं और वन हंड्रेड थाउजेंड इफ इट कन्वर्ट्स इंटू वन मिलियन इज इट गुड और बैड अच्छा बुरा किसको बुरा लगेगा एप्सलूट टर्म्स में इट वुड बी ग्रेट एक का दस हो गया मेरा राइट टेन टाइम्स रिटर्न बट यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ कंपाउंडिंग रिटर्न के परस्पेक्टिव से सालाना रिटर्न के परस्पेक्टिव से तो द आंसर वुड बी डिपेंड्स वाई डिपेंड्स बिकॉज कंपाउंडिंग टेक्स इनटू द कंसिडरेशन कि एक लाख अगर दस लाख हुआ कितने टाइम में हुआ सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन दैट पार्ट एंड सारा इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिटर्न एंड टाइम ये दोनों चीज़ एक साथ देखी जाती है जिसने टाइम को इग्नोर किया वो हमेशा मार्केटिंग प्रोसेस में उसको उल्लू बना दिया जाता है सो so, आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें समझ समझेंगे कि कैसे वो डिपेंड्स हम समझ पाएं सो दैट यू रेयरली गेट फूल्ड इन पर्सनल फाइनेंस लाइफ सो प्लीज़ टिक ऑन टिल द एंड बिकॉज वी विल स्क्रीन शेयर एंड डू सम काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू ऑफ हाउ टू डू दिस एज वेल बिफोर वी मूव अ हेड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम पुनीत अग्रवाल आई एम द फाउंडर ऑफ बैनियन एफ ए हियर वी आर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वी ऑन अ वीकली बेसिस रिलीज रफली दस मिनट तक की वीडियो रिलेटेड टू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन पर्सनल फाइनेंस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आर चैनल सो दैट आपको ऑटोमैटिकली हमारे लेटेस्ट रिलीज आपके पास पहुंच पाएं चलिए आगे बढ़ते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ठीक है नाउ एप्सुलूट रिटर्न इन सिंपल टर्म्स क्या करते हैं कि आपका गेन और लॉस को एक एब्सुलूट टर्म से बताते हैं इन सिंपल टर्म्स एक लाख दस लाख बना तो कितना रिटर्न हुआ ठीक है सबसे ज्यादा डायरेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है समझने का कि हमने कितने पैसे बनाए आपको एक, एक मजेदार चीज बता रहा हूँ हमारे एक नेबर हैं चोपड़ा जी वो कुछ दिन पहले बता रहे थे मुझको बड़े खुश थे क्योंकि अभी रिसेंट अभी रियल एस्टेट में काफी ज्यादा 2023 में प्राइसेस ऊपर बढ़े तो कहते हैं उनका गुड़गांव में एक फ्लैट है जो उन्होंने 2004 में 50 लाख का खरीदा था एंड आज बोल रहे थे कि आज उसकी वैल्यू दो करोड़ रुपए हो गई है लाइक like, वॉपिंग 300 परसेंट रिटर्न ऑन इज इनिशियल फिफ्टी लाख रुपीज सो पचास लाख का दो करोड़ बन गया तो उन्होंने पूछा बेटा कैसा है मैंने कहा अंकल जी गुड और बैड अगर शिल्पा शेट्टी के टर्म्स में बोलूं तो आपको लग रहा होगा ये तो सुपर से भी ऊपर रिटर्न है लेकिन ये पीपीएफ के रिटर्न से भी कम है अंकल जी क्योंकि ये तो मेयरली सालाना देखा जाए हालांकि आपको 300 परसेंट रिटर्न दिखा इतने पीरियड में बट अगर इसको ईयर ऑन ईयर सालाना देखा जाए तो ये तो केवल साढ़े रिटर्न ही हुआ वो थोड़े से गुस्सा हो गए बात नहीं कर रहे मुझसे लेकिन मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर इसी चीज़ को डाला जाए तो आप कैसे बेटर डिसीजन ले पाएंगे सो so, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें यू कैन सी हाउ दिस वर्क्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट ठीक है कि अज्यूम करते हैं 2004 में ही एक लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट किसी ने की ठीक है एंड अज्यूम रेट इस वाले एग्जाम्पल में मैंने एट परसेंट रखा है तो इन अ सिंपल टर्म्स एक साल के एंड में एक लाख की एफडी पे आठ परसेंट का रिटर्न सी द ही एट परसेंट ऑन वन लैक आठ हजार का इंटरेस्ट मिला होगा उसको उस ईयर के एंड में उस एफ की वैल्यू एक लाख से बढ़कर एक लाख आठ हजार हो जाएगी ठीक है अब नेक्स्ट ईयर एफ की वैल्यू एक लाख नहीं रहती वो आठ हजार से बढ़कर एक लाख आठ हजार हो गई राइट यहाँ पर अब फिर से एट परसेंट का फॉर्मला जब उस पर लगाया जाएगा तो वो एक लाख पे नहीं लगता है वो लगेगा अब आपके एक लाख आठ हजार रुपये पे राइट right. जैसे ही आप उसको एक लाख आठ हजार पे वो फॉर्मुला लगाते हैं तो अब आप नोटिस कीजिए कंपेयर टू पिछले साल द वैल्यू इज नाउ हायर इंटरेस्ट इज हायर छ सौ चालीस रुपए ज्यादा है सो ईयर एंड पे उस वैल्यू हो गई एक लाख सोलह हजार नेक्स्ट ईयर अगर देखा जाए तो वो अमाउंट एक लाख सोलह हजार पे अब फिर से इंटरेस्ट लगेगा अब आप नोटिस कीजिए जस्ट इन अ स्पैन ऑफ थ्री ईयर्स अब इंस्टेड ऑफ आठ हजार रुपए नाइनटी थ्री हंड्रेड अप्रोक्स इंटरेस्ट आ रहा है एंड एंड ऑफ द वैल्यू हो गई वन पॉइंट टू फाइव लैक्स अब इसको अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं तो आप देखिए ईयर 2023 में विच इज टूडे वो ये एक लाख की एफ अगर वो इतनी लंबे ड्यूरेशन पे चलती रहे और 8 परसेंट इंटरेस्ट आए तो अब ईयरली उसको थर्टी फोर का इंटरेस्ट आ रहा है सी ऊपर आठ से बढ़ते 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 अब ये थर्टी का हो गया सो एट परसेंट कम्पाउंडिंग इज रिजल्टिंग इन टू वन लाख रुपीज टर्निंग इंटू फोर पॉइंट सिक्स सिक्स लैक्स कितने साल हो गए दोस्तों ये बीस साल ठीक है अब वही शर्त अपने चोपड़ा जी का एग्जाम्पल लेते हैं यही अगर पचास लाख रुपये एट में इन्वेस्टेड रहता तो 2.33 करोड़ हो जाता 2.3 करोड़ राइट अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसको थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव देते हैं यही अगर 8 परसेंट की के दस परसेंट होता तो लेट्स एक अन्पल दस परसेंट में एक लाख का एफडी, डी या रेंट पर दस हजार रुपये ब्याज मिलेगा और फिर वो एक लाख दस हज़ार हो जाएगा राइट अगले साल ये एक लाख दस स्टार्टिंग बैलेंस हो जाएगा उस एफ का अब टेन परसेंट इंटरेस्ट ग्यारह हज़ार हुआ ईयर एंड पे एक लाख इक्कीस हज़ार हुआ तो आप देखिए एक हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है पिछले साल से उसके अगले साल बारह हज़ार रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा अब आप नोटिस कीजिए बढ़ता चला जा रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का यही फायदा है एंड अगर इसको दो तक पहुँचे तो ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते सिक्स पॉइंट सेवन करोड़ हो जाएगा कितना डिफरेंस था रिटर्न का जस्ट टू परसेंट कंपाउंडिंग का डिफरेंस देखिए कितना ह्यूज इंपैक्ट आया यही एक्जाम्पल है पचास लाख का जो हम एग्जाम्पल पहले ले रहे थे वो अब थ्री पॉइंट थ्री करोड़ हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा के रिटर्न देख लेते हैं कुछ लोग कहते हैं उन्हें पंद्रह परसेंट रिटर्न मिलता है तो अगर उस परस्पेक्टिव से देखें एफ डी में नहीं मिलेगा बट और इंस्ट्रूमेंट्स में अगर मिलता है तो एक लाख का पहले साल में इंटरेस्ट पंद्रह हज़ार मिला एक लाख पंद्रह हज़ार उसकी वैल्यू हुई उसके बाद वही एक लाख पंद्रह हज़ार ओपनिंग बैलेंस बना इंस्टेड ऑफ पंद्रह हज़ार अब पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट एक लाख पंद्रह हज़ार में मिलेगा ये वैल्यू बढ़ के एक लाख बत्तीस हज़ार हो गई आगे चलें वॉट यू विल सी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द वैल्यू इज़ नाउ सिक्सटीन पॉइंट थ्री करोड़ पचास लाख के परस्पेक्टिव जो फ्लैट बात कर रहे थे चोपड़ा जी ये आठ करोड़ हो गया दोस्तों सो so, अगर देखा जाए इस परस्पेक्टिव से कि काफ़ी फर्क पड़ जाता है कंपाउंडिंग में चोपड़ा जी के एग्जाम्पल में जब हम बात कर रहे थे उनका पचास लाख का फ्लैट दोस्तों वो कितने खुश हो रहे थे कि उनका दो करोड़ रुपये हुआ यहाँ पे हमने क्या देखा पचास करोड़ दो करोड़ ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं है बीस साल के ड्यूरेशन में दिस इज वॉट कंपाउंडिंग इज दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कंपाउंड इंटरेस्ट को और सो बोला जाता है एनुअलाइज रिटर्न या ज्योमेट्रिक रिटर्न ये अपने को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में टाइम वाला फैक्टर ले लेता है जिससे आपको पर्सपेक्टिव पता चले यू कैन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट वेद इट्स गुड अ बैड नाउ एक क्वेश्चन आता है लोगों का फिर कब एप्सलूट रिटर्न यूज करें कब कंपाउंडिंग रिटर्न यूज करें तो उसका एक सिंपल तरीका है आपने अभी नोटिस किया होगा

पांच परसेंट रिटर्न अगर दो महीने हुआ है तो बारह महीने में ये हो गया तीस परसेंट रिटर्न तो कहेंगे मुझे तीस परसेंट रिटर्न मिला बट आप भी लॉजिकली देखेंगे पांच हजार ही तो एक्चुअल रिटर्न आया था पांच हजार डिवाइड बाई एक लाख इज जस्ट पांच परसेंट सो हेंस वेन एवर यू आर एवैल्युटिंग इन्वेस्टमेंट्स एनीथिंग एक साल के लेस ड्यूरेशन में एक साल एंड बिलो ड्यूरेशन में ओनली कंसिडर एप्सलूट रिटर्न और उसके आगे वाली ड्यूरेशन में कंसिडर कंपाउंडिंग रिटर्न अब आई वुड लीव दिस थिंग थ लास्ट फ्यू थाट्स एक लाख रुपये अगर दो साल में एक लाख तीस हजार होते हैं वन लैख बिकम्स वन लैख थर्टी थाउजेंड इन टू ईर्स इट इज अ थर्टी परसेंट एबसलूट रिटर्न एबसलूट टर्म्स में कंपाउंडिंग के परस्पेक्टिव में इट इज जस्ट फोर्टीन परसेंट अनदर एग्जाम्पल एक लाख रुपये पांच साल में दो लाख हो जाते हैं वन लैख बिकम्स टू लैक्स एप्सलूट टर्म्स में हंड्रेड परसेंट रिटर्न हैप्पी डेज बट कंपाउंड के रिटर्न के परस्पेक्टिव से 100% goes down to 15%. So we know people would love to know more about it how to compute them in excel how to have more uh, uh, advanced uh, examples. So wait for our next video where we will actually do the whole thing in a in more ex uh, illustrative manner and we'll help also help you understand how to calculate compounding returns using formulas in excel. If you like this video please do like and share your comments do subscribe to our channel. Thank you.